शहर के कालाकुआ स्थित अरावली विहार पार्क विकास समिति की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक संजय शर्मा ने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान स्थानीय नागरिकों सहित कार्यकारिणी से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। विधायक संजय शर्मा ने कहा कि जिस तरह से कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, वही पार्क की दशा और दिशा सुधारने के लिए जो संकल्प लिया गया है, वह अन्य पार्क के पदाधिकारियों के लिए मिसाल है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस तरह की शिकायत यहां पर असामाजिक तत्वों की मिली है, उसको लेकर अरावली थाना इंचार्ज जहीर अब्बास से वार्ता कर समस्या समाधान के निर्देश देंगे, जिससे भविष्य में इस तरह की समस्या का लोगों को सामना नहीं करना पड़े। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले यहां आए सामाजिक तत्वों द्वारा महिलाओं से छेड़खानी व उन पर फप्तियां कसने जैसे मामले सामने आए, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस अधीक्षक सहित जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया। वार्ड पार्षद धीरज जैन ने मीडिया को अवगत कराया कि सेक्टर 2 वार्ड में सड़क का बजट पास होने वाला था, लेकिन राजनीति के दबाव के में कांग्रेस के बोर्ड के कारण वार्ड में काम नहीं हो पाया। पहले ही कालाकुआ सेक्टर 2 की सड़कें बनकर तैयार हो जाती और कोई समस्या नहीं आती। देखिए, कालाकुआ क्षेत्र में अरावली विहार पार्क समिति का शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आने का सौभाग्य मिला है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि आज जिस भावपूर्ण तरीके से आप सब लोगों ने हमारे पार्षद हैं धीरज जी, संजय जी, मुझको जो सम्मान दिया, हमको आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम सब लोग नतमस्तक होकर सभी मान्य पदाधिकारियों का, वार्ड के सभी रहने वाले बुजुर्गों का, माताओं बहनों का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में ये समिति, जो नवनिर्वाचित समिति है, इस पार्क के विकास के लिए, एक क्षेत्र के विकास के लिए कर संकल्पित रहेगी। और जो आज मैंने आपसी सामंजस्य देखा, यहाँ पे सब लोग एक साथ बैठे, एक साथ हंस खेल करके जैसे परिवार की तरह लोग रहते हैं, उस तरह शादी बात थी, तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए और अन्य क्षेत्रों के लिए एक अनूठा उदाहरण इस विकास समिति ने दिया है, तो आने वाले समय में क्षेत्र का संपूर्ण विकास हम करने के लिए कर सकते हैं। प्रशासन को भी लिखित में इन्होंने दे दिया। मैं अभी SHO अरावली विहार को अभी गाड़ी में बैठ के फोन पे कहूंगा और उनसे कहूंगा कि यहाँ पे नियमित गश्त हो और बीच में खुद भी आकर के यहाँ पे आकर के एक बार या दिन में या दो दिन में एक बार आकर के इस पार्क का मुआयना करें, जिससे असामाजिक तत्वों का जवाड़ा यहाँ नहीं रहे, पूरे क्षेत्र में ना रहे।